नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उम्मीदें भारत से ढेर सारी हैं, चंद्रयान 3 से हैं, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। चंद्रयान 3 की सफलता और उसकी जानकारियों से बहुत बड़ा कल्याण पूरी दुनिया का होने वाला है। और चंद्रयान 3 से निकले रोवर ने अब जो अपने कारनामे दिखाने शुरू किए हैं, ये साबित होता जा रहा है कि बहुत बड़ा संदेश और जानकारी लगातार भारत के जरिए पूरी दुनिया के सामने पहुंचेगी। खबर यह है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो मिट्टी मौजूद है उसकी बाकायदा जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंद्रमा के सतह पर उतरने के बाद रोवर ने मिट्टी की जांच शुरू कर दी है और जो नमूने रोवर ने प्राप्त किए हैं उससे जो जानकारी निकली है, आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। इसरो ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दे दी है कि जो सैंपल चंद्रमा की सतह से प्राप्त मिट्टी के हैं उससे जो जानकारी है वो सतह की मिट्टी कितनी गर्म है और वो मिट्टी धरती की मिट्टी की तुलना में किस स्तर की है। ये जानकारी अगर आपको भी पता चलेगा तो आप हर्ष से भर जाएंगे। इसरो ने बताया है कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच हुई है। सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक तापमान में अंतर पाया गया है। इसरो के मुताबिक ये पहली बार है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्र मिट्टी की तापमान प्रोफाइलिंग पर खरी उतर रही है। पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ग्राफ में जो तापमान मिला है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तक दिखाई दे रहा है। हम आपको एक ग्राफ के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे कि सतह पर 50 डिग्री का तापमान और जब नीचे गए तो -10 डिग्री तक तापमान मिला है और पृथ्वी का जो एक औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रमा के सतह पर जो मिट्टी मौजूद है और उसके नीचे की क्या स्थिति है। ऐसे में जो ये जानकारी मिल रही है और जो इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है, अब आप समझ सकते हैं कि इसरो ने चांद पर उतरते ही अपने काम को मिनट दर मिनट किस तेजी से अंजाम दे रहा है। दक्षिण ध्रुव पर उतरा चंद्रमा के सतह की मिट्टी का पता लगा लिया है। 10 सेंटीमीटर तक के मिट्टी का सैंपल लिया गया और उससे जो अनुमान मिल रहा है उसके मुताबिक सतह पर 50 डिग्री और थोड़ा नीचे जाने पर -10 डिग्री तक उस मिट्टी की तापमान की स्थिति पाई गई है। पृथ्वी के 14 डिग्री सेल्सियस तापमान के मुकाबले इस तापमान की तुलनात्मक अध्ययन से जो जानकारी निकलेगी उससे चंद्रमा में भविष्य में मानव और मानवता से जुड़े संभावनाओं पर जो विमर्श होगा उस पर पूरी दुनिया रिसर्च करेगी। तो अब आप समझ सकते होंगे कि हमारे रोवर ने कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया है और कितने बड़े काम को अंजाम दिया है जिसको ट्वीट करके इसरो ने बाकायदा भारत को जानकारी दी है। इसरो सेंटर को जानकारी मिल गई है और ये जानकारी अब दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचेगी और नासा सहित तमाम दुनिया के जितने बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर हैं वहां पर दक्षिणी ध्रुव के सतह के मिट्टी के तापमान का अनुमान लगेगा और फिर ये भी पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं और इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि क्या वहाँ पानी है और पानी की जो स्थिति है वो कैसी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रोवर इसका भी कम से कम प्राथमिक पता लगाने में कहीं न कहीं सफल होगा। जो इसरो ने ताज़ा अपडेट दिया है वो भी हम आपको बता दें। इसरो के मुताबिक पेलोड चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए ध्रुव के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। इसमें तापमान जांचने का यंत्र है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। तो इस तरीके से 10 अलग अलग तापमान सेंसर जो इसरो
ने जानकारी दी है वो लगे हुए हैं इस रोवर में, और ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अंतर है पृथ्वी और चंद्रमा के उस सतह की। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम पृथ्वी और चंद्रमा के सतह का तुलनात्मक अध्ययन करने की स्थिति में आ गए हैं। अर्थात जो हमने दावा किया था कि पूरी मानवता को हम एक बड़ा संदेश और जानकारी देंगे ताकि भविष्य में चांद पर मानव के बसावट की जो भी संभावनाएं बन रही हैं वो क्या हो सकती हैं, अब वो राह भारत दिखाने जा रहा है। और उस दिखाने के प्रयत्नों में ये पहला पड़ाव है, और इस पड़ाव पर जो जानकारी इसरो ने ट्वीट के जरिए भारत को दी है, पूरी दुनिया को दी है, आने वाले समय में मानवता का बड़ा कल्याण होगा। और चांद पर टूर का जो सपना पीएम मोदी ने अपने प्रथम संबोधन में सफलता के बाद दिखाया था वो संभव हो पाएगा। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।